हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर हीट के एक बहुत ही अच्छे टॉपिक कंडक्शन के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो सबसे पहले इस बात को जान लेना बहुत जरूरी है कि कंडक्शन क्या है। इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। हीट ट्रांसफर का एक मोड है, जैसा कि आपको पिछले वीडियोस में बताया गया था कि हीट ट्रांसफर हम थ्री टाइप्स में कर सकते हैं, कंडक्शन और कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक है। थ्री मोड्स होते हैं हमें हीट ट्रांसफर के, लेकिन यहाँ पे हम फर्स्ट मोड की बात करने वाले हैं कि कंडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि कंडक्शन होने के लिए क्या दो बातें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहली जो बात है वो है कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट जब तक नहीं होगा तब तक कंडक्शन नहीं हो सकता। दूसरी बात, यहाँ पे देर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर, डिफरेंस इन टेम्परेचर होना चाहिए। जहां पे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में टेम्परेचर का ट्रांसफर होना है, हीट का ट्रांसफर होना है, वहां पे टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए। तो कंडक्शन क्या है? कंडक्शन में आपको बहुत ध्यान से समझना कि कंडक्शन में हीट ट्रांसफर कैसे होता है। यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर है वो 1/1 है। जैसे कि हमने ये मान लिया कोई आयरन रॉड है, यहां से हमने एक बर्नर लगाया, और ये बर्नर ने हीट करना स्टार्ट किया, ठीक। तो होगा क्या कि ये चीज धीरे 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 1 inch से, ठीक है, लास्ट इंच तक ये कुछ देर बाद पूरा का पूरा हीट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, हीट का ट्रांसफर हुआ। यहाँ पे हीट इस वाले मॉलिक्यूल पे, इसने इसको दिया, 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 इस तरह हुआ क्या कि विद इन 2 or 3 minutes पूरी की पूरी हीट ट्रांसफर हो गई फ्रॉम 1 inch टू अनदर inch। यही है कंडक्शन। कंडक्शन में क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से समझिए। यहाँ पे जो हीट का ट्रांसफर है वो 1/1 हो रहा है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, दूसरी बॉडी तीसरी बॉडी को, तीसरी बॉडी चौथी बॉडी को, ठीक है। इस तरह धीरे धीरे पूरी बॉडी में हीट ट्रांसफर हो जा रही है। यहाँ पे दूसरी तीसरी बॉडी में क्या बोल रहा हूँ, मतलब बॉडी के अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जेटिक हुए, उसने क्या किया अपने बगल वाले को एनर्जी दिया। अब एनर्जी क्यों दे रहा है, इस बात का भी ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो आयरन रॉड है उसका टेम्परेचर मान लीजिए 27 degrees centigrade है, नॉर्मल है। अब यहाँ पे हमने हीट दिया, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है इनका टेम्परेचर बढ़ गया। अब टेम्परेचर बढ़ गया तो ये इधर देंगे, जब यहाँ पे भी टेम्परेचर बढ़ गया तो ये इधर देंगे, जब यहाँ पे भी टेम्परेचर बढ़ गया तो ये इधर देंगे। इसी तरह की कहानी होती होते क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि पूरी की पूरी आयरन की रॉड आपकी हीट हो जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पे अगर हम एक दूसरे मोड से समझें कि कंडक्शन कैसे हो रहा है, जैसे कि हम क्लासरूम मान ले, क्लासरूम में हमने मान लिया कि देर आर 20 rows, 20 rows है, पूरी की पूरी 20 seats हैं, और हर सीट पे चार चार बच्चे बैठे हैं, या दो दो बच्चे बैठे हैं, या हमने मान लिया एक एक बच्चे बैठे हैं। अब हमें क्या करना है कि हमने एक टेस्ट पेपर दिया किसी बच्चे को, फिर हम जाके दूसरी सीट पे दिए, तो इस तरह क्या होगा, हमें पीछे तक जाना पड़ेगा। अब हमने क्या किया कि 20 test paper ले लिया और पहले वाले बच्चे को दे दिया। मैंने उससे बोला कि एक टेस्ट पेपर आप ले लो, बाकी के टेस्ट पेपर पिछले वाले बच्चे को आप ट्रांसफर कर दो। तो हुआ क्या, यहाँ पे बहुत ध्यान समझिए, एक बच्चे को हमने दिया टेस्ट पेपर, इसने लिया, ठीक, फिर इसने क्या किया, दूसरे वाले को दे दिया, ठीक है। फिर इसने क्या किया, एक लिया और बाकी रिमेनिंग जो है दूसरे वाले को दे दिया, फिर इसने एक लिया और रिमेनिंग दूसरे वाले को दे दिया। इस तरह ये कंटिन्यू रहा, कहां तक कंटिन्यू रहा, जब तक कि लास्ट बच्चे तक टेस्ट पेपर नहीं मिल गया। देखिए बहुत ध्यान से समझिए, हमारे पास 20 test paper थे, 20 बच्चे थे, एक के पीछे एक बैठे थे, मैंने पहले ही बच्चे को 20 test paper दे दिया, उसने एक लिया, 19 पीछे किया, दूसरे वाले बच्चे ने एक लिया, 18 पीछे किया, उसके पीछे वाले बच्चे ने एक लिया, 17 पीछे किया। ऐसे होते 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 एक समय ऐसा आएगा जब लास्ट वाले बच्चे को एक आंसर, एक पेपर मिलेगा। तो हुआ क्या कि यहाँ पे हमने पहले बच्चे को दे दिया,
हर एक बच्चे के पास मैं नहीं गया, लेकिन हर एक बच्चे को टेस्ट पेपर मिल गया। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? जो ये प्रोसेस है इसी को हम क्या बोल रहे हैं? कंडक्शन बोल रहे हैं। कंडक्शन में भी कुछ ऐसा ही होता है, हम यहाँ केवल एक बॉडी को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी बॉडीज को वो प्रोवाइड करते जा रहा है। उसने दूसरे किया, दूसरा तीसरे किया, तीसरा चौथे किया, चौथा पांचवें को किया, तो इस तरह पूरी की पूरी बॉडी में हीट ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। ऐसे हीट प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कंडक्शन। यहाँ पे दो बातें मैंने लिखा है, ये इन दो बातों का होना बहुत जरूरी है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बहुत जरूरी है। बिना नहीं कि रेडिएशन की तरह यहीं पे हूं सब कुछ सबको हीट मिलती रहेगी, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होना जरूरी है किसी को देना। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि हीट हो रहा है, तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, ये नहीं कि नीचे से है। और दूसरी बात है डिफरेंस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में डिफरेंस होना भी जरूरी है। अगर डिफरेंस नहीं रहेगा तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी। ये डिफरेंस इन टेम्परेचर तो सब में होना जरूरी है, चाहे जो मोड हो, कन्वेक्शन हो, कंडक्शन हो, रेडिएशन हो, हर में ये इम्पोर्टेंट होता है। अब देखिए हम दूसरी बात करते हैं कि कंडक्शन अब होगा कहाँ पे, कंडक्शन कौन करता है। अब देखिए मटेरियल्स हमारे होते हैं, सम मटेरियल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सम मटेरियल्स आर बैड कंडक्टर, एंड सम मटेरियल्स आर इंसुलेटर। तो अब तीन बातों को हम समझा रहे हैं कि समझिए मटेरियल को हम यहाँ पे तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, कंडक्टर, पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर। जो पुअर कंडक्टर हैं, पुअर कंडक्टर यहाँ पे वर्ड हम इसलिए लाए कि कुछ कुछ हीट उनके अंदर से पास होगी और कुछ बिल्कुल ही पास नहीं होगी, ठीक है। तो जिसमें बहुत ज्यादा अच्छे से पास हो रही है, जितने भी मेटल एंड एलॉय होंगे वो बहुत अच्छा हीट पास करेंगे। आप एक इंच से दीजिए, पूरा का पूरा वेसल आपका क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जैसे इसमें अगर एग्जांपल दें तो इसमें एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। उसके बाद पुअर कंडक्टर ऑफ हीट की बात करते हैं, तो इसमें आपको वुड मिल जाएगा, लकड़ी, सूखी हुई कोई वुड है तो वो दैट इज द पुअर कंडक्टर। और हम दूसरी बात करें, इंसुलेटर की बात करते हैं, तो इंसुलेटर में आपको बेकेलाइट मिल जाएगा। बेकेलाइट क्या हो गया? बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर। आप ये कह सकते हो कि दैट इज अ इंसुलेटर। यहाँ पे जो पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर है ना, ये देखिए कोई बहुत नई बात नहीं है, दोनों लगभग लगभग क्या है? सिमिलर है। पुअर कंडक्टर में क्या? थोड़ा बहुत पास होगा और जो इंसुलेटर है वो बिल्कुल भी पास नहीं करेगा। तो इंसुलेटर में, इंसुलेटर की कैटेगरी में हम वुड को भी रखते हैं, ठीक है। तो इंसुलेटर क्या है? द मटेरियल विच डू नॉट पास हीट, जो हीट को ट्रांसफर नहीं करते, मतलब अपने ही हीट होंगे लेकिन दूसरे को हीट ट्रांसफर नहीं करेंगे, मतलब ठीक से अपने भी हीट नहीं होंगे। इसमें सबसे जो अच्छा एग्जांपल है वो बेकेलाइट। बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है जिसपे हीट और इलेक्ट्रिसिटी किसी का भी फर्क नहीं पड़ता। दैट्स वाई दैट इज यूज इन अ केटल। आपने केटल देखा होगा, केटल के पीछे बेकेलाइट का कवर होता है, प्लास्टिक का हार्ड कवर होता है। ये इसलिए लगाया जाता है कि जब पूरी की पूरी केटल हीट होगी तो उसका हैंडल भी हीट हो जाएगा अगर मेटेलिक होगा, तो वहां पे हम क्या लगा देते हैं? बेकेलाइट लगा देते हैं, तो जिससे अगर वो हैंडल को हम टच करेंगे तो हमको हीटेड नहीं लगेगा। तो इंसुलेटर हो गया। सेम प्रोसेस टेस्टर वगैरह में भी होता है कि वहां पे लगा होता है, प्लास्टिक का लगा होता है, तो उससे क्या होती है? आपको इलेक्ट्रिसिटी का शॉक नहीं लगता क्योंकि अंदर मटेरियल जो है वो मेटेलिक है, तो वहां से तो करंट पास होती है, लेकिन ऊपर कवर लगा देते हैं। कवर लगाने से क्या होता है कि कंडक्टर जो हीट होती है वो पास नहीं होती। अगर हीट पास नहीं हुई तो हमें शॉक नहीं लगेगा, और अगर हीट नहीं पास हुई दैट आर नोन एज इंसुलेटर। तो यहाँ पे मैंने मटेरियल आपको तीन टाइप के बताया, कंडक्टर, पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर जिसमें बहुत अच्छा हीट पास हो, पुअर कंडक्टर जिसमें बहुत हल्का हल्का पास हो, एंड इंसुलेटर जिसमें बिल्कुल भी हीट पास ना हो। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।